दोस्तों, पर्ल्स ऑफ विजडम ये एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। सो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया पर्ल ऑफ विजडम लेकर। तो आज का पर्ल ऑफ विजडम है रेस्पॉन्स। दोस्तों, आपको पता है जीवन क्या है? जीवन में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हमेशा कंप्लेंट करते हुए पाए जाते हैं कि मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे अनगिनत कारण वो गिना देते हैं अपनी असफलताओं के लिए। लाइफ क्या है पता है? इट इज ओनली 20% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 80% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। आई रिपीट, लाइफ इज ओनली 20% जो आपके साथ होता है एक्चुअली, और 80% वो होता है जो आप उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा भगवान राम की कहानी, जो मैं अक्सर अपने बहुत सारे वीडियोस में वर्णन करता हूँ, कि अगले दिन सुबह राज्याभिषेक मिलने वाला है। एक दिन पहले रात को वनवास दे दिया जाता है। जब माता कैकेयी ने भगवान राम को बुला करके अपने कक्ष में कहा कि आपके पिता से मैंने 2 वर मांगे थे और वो 2 वर आज ये देने में बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, इनसे दिया नहीं जा रहा। तो जब भगवान राम ने उनसे उसका कारण पूछा, वो क्या वर है वो पूछा, तो माता कैकेयी ने कहा कि मैंने इनसे मांगा है भरत के लिए राज्याभिषेक, तुम्हारी जगह भरत को राज्य दिया जाए और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। सोचो दोस्तों, अगर आप उस सिचुएशन में भगवान राम की जगह होते तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता? आप शायद लड़ पड़ते, आप अपने अधिकारों के लिए विद्रोह कर देते, आप शायद अपने माता पिता को ही घर से निकाल देते, आप अपने अधिकारों की बात करते, आप शायद बंटवारे की बात करते। बट भगवान राम का रिस्पॉन्स क्या था? इट्स अ रिस्पॉन्स जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करके देता है। भगवान राम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस इतनी सी बात। सोचो, उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट किया। देखिए, सिचुएशन तो होती है, दैट इज अ रियलिटी, डिफरेंस इज यू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और उनके अगले वाक्य क्या थे कि आपने तो मेरा सब तरफ से कल्याण कर दिया, मुझे ऋषियों मुनियों के सेवा करने का मौका मिलेगा, मुझे वन में तप करने का मौका मिलेगा, अपने काबिलियत अपने कौशल्य को बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश की। दोस्तों, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना अगर आपके हिसाब से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके हिसाब से नहीं है तो उस सिचुएशन में, उस खराब सिचुएशन में, उस आपदा में अवसर को तलाश करके जीवन में आगे बढ़ जाना ही आपका भविष्य डिसाइड करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोविड आया, एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था, आपदा थी जिसमें लोग मर रहे थे। एक तरफ लोग मर रहे थे, दुखी थे, डरे हुए थे, उसी तरफ कुछ सेट ऑफ पीपल थे जिन्होंने उस आपदा में अवसर को तलाशा। उन्होंने, कुछ लोगों ने पैसे कमाने के अवसर को तलाशा, कुछ लोगों ने इस कोविड में अपने सेवा के अवसर को तलाशा, कुछ लोगों ने अपने परिवार के साथ समय बिताने के अवसर को पाया और कुछ लोगों ने अपने हुनर को निखारने का अवसर पाया, कुछ लोगों ने अपने पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने का अवसर पाया। सो आपदा में अवसर ढूंढा लोगों ने और वो लोग खुश थे कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने आपदा में दुखी और डर से भयभीत होकर के इस समय को गुजारा। तो दोस्तों, आइए आज से हम ये शपथ लें कि हम कोई भी सिचुएशन होगी उसमें हमेशा पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देने की बात करता है, वो जीवन में बहुत निराश हो जाता है, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। कोई अगर प्रेम में असफल हो गया, किसी की प्रेमिका ने उसे ना कह दिया, वो आदमी अपना जीवन खत्म करने की बात करता है। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी में असफल हो जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो नौकरी छोड़ देते हैं और दर दर भटकते हैं। कुछ लोग बिजनेस में असफल हो जाते हैं, उनका बिजनेस डूब जाता है, वो बंद होकर के वो ऐसी राहों पे निकल जाते हैं जहां पे उनका भविष्य और ज्यादा अंधकारमय है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज। आप जो भी सिचुएशन हो उसे एज इट इज पहले तो खुश मन से एक्सेप्ट कीजिए। बिलीव मी कि ये एक्सेप्टेंस आपके आगे आने वाले जीवन को, कठिनाई जो आने वाली है उसको बहुत आसान बना देगा। और इस आसान बनाने से आप उसके, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि आप उस सिचुएशन से लड़ पाएं।
और फिर जो आपदा आई है उसे अवसर में बदलिए और जीवन का मजा लीजिए। सो आइए आज से हम शपथ लें कि कोई भी सिचुएशन होगी हम उसमें पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे और अगर आपदा है तो उसमें अवसर की तलाश करेंगे। दोस्तों, इस पर्ल ऑफ विजडम से आपने जो भी सीखा है उसे आज से ही अप्लाई करें और जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आलोक शर्मा आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।